रबड़ी खाना सबको बहुत पसंद होता है और इसे हम बहुत इजीली अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को हम घर पे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए फुल फैट मिल्क। तो यहाँ पे मैंने 700 ml दूध लिया है। इसे मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ था, तो मलाई के साथ मैंने इसे ले लिया है। यहाँ पे कुछ केसर के धागे डाल देंगे और 2 इलायची डाल देंगे क्रश करके। यहाँ 5 मिनट तक दूध को बॉयल होने देते हैं। इसमें डालना हमें ब्रेड, तो 2 ब्रेड हम यहाँ पे लेंगे। इसके किनारे के पार्ट को इस तरीके से काट कर निकाल देंगे और सफ़ेद जो पार्ट होता है बीच का उसे ही हमें यूज़ करना है। यहाँ पे हम दोनों जो ब्रेड हैं उनको तोड़ के ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका गरम बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको हमने इस तरीके से पीस लिया है। इसे डाल देंगे दूध के अंदर। इसको डालने से रबड़ी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है और ये काफ़ी जल्दी थिक भी हो जाएंगे। तो अब इन्हें डालकर हमें चलाते रहना है। अब इसके अंदर हमें डालना है चीनी, तो चीनी को हम कैरेमलाइज करेंगे। तो एक साइड पे एक पैन लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे चीनी। जितना दूध है उस क्वांटिटी के हिसाब से हम यहाँ पे चीनी लेंगे। 1/4 कप हमने यहाँ पे चीनी लिया है। इसे एक पैन में डालकर छोड़ देंगे, ये अपने आप मेल्ट हो जाते हैं। जैसे ही कलर हल्का ब्राउन सा दिखने लगे ना, हम इसे फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे डाल देंगे इस दूध के अंदर। यहाँ पे आप दूध को देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो इस कैरेमल किए हुए चीनी को हम इसके अंदर डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब इन्हें हमें टोटल 5 से 6 मिनट और पकाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ये रबड़ी है काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है जैसा हमें चाहिए। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद है उसे डाल सकते हैं। मिला लेते हैं इन्हें और अब जो ये रबड़ी है सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही लच्छेदार बनकर ये तैयार होते हैं। तो इस तरीके से आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है या आपको मीठा खाने का मन करता है तो इस तरीके से आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।